आज हमारे पास आए हैं राजस्थान में, कहाँ से हो? अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर क्या नाम बताया गाँव का? कायमपुर जोखावास। दादाजी हैं जो भी आर्मी में रहे, कब रिटायर हुए जी आप? 98। कौन सी यूनिट से? एसी सप्लाई। सप्लाई कोर से। तो 98 के सप्लाई कोर से रिटायर हुए और आज अपने पोते के लिए डिफेंस गुरुजी कैंपस में आए हैं। क्या नाम बेटा आपका? चेतन। के लिए, चेतन के लिए अलवर जिले से आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि दादाजी है, उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं फौज में रहा हूँ तो पोता भी फौज में जाना चाहिए। और ये एयरफोर्स और नेवी का जो सिलेक्शन बैच है हमारा, उसमें आए हैं। तो दादाजी बताओ, जो दिखाया गया यूट्यूब पे मिला है? नहीं मिला? मिला है सर, देना। अच्छा मुझे बताओ दादाजी, बच्चे को फौज में क्यों भेजना चाहते हो? पोते को फौज में क्यों भेजना चाहते हो? बच्चे को ऐसा है कि मतलब कुछ तो मतलब क्या है कि बच्चे का मतलब क्या है, 15 साल 20 साल कर करके अपना आ जाए और उसको आगे की नौकरी के लिए भी मतलब पढ़ाई अगर पूरी करें तो उसको क्या है कंसेशन मिल जाता है और आगे दूसरी सर्विस मिल जाती है। अच्छा दादाजी, वहाँ पे कितने लोग फौज में कार्यरत होंगे? आपके जिले से बहुत सारे फौजी हैं, मतलब इतना क्या खास बात है कि बच्चों में जुनून है फौज में जाने का? मतलब ऐसा है कि सब पूरा ग्रेजुएशन तो मतलब आजकल क्या है गांव में होता नहीं है और प्लस टू करके ही या तो बच्चा इसमें चला जाता है, कंपनियों में फैक्ट्री में कर लेता है, नौकरी सरकारी है नहीं। हाँ, तो फौज इसलिए जरूरी है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा चाहिए करते हैं। जैसे आज आपको पेंशन मिल रही है तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने अपनी अगर जवानी वहाँ दी है तो आज मैं सेफ हूँ कहीं ना कहीं घर पे, वो मेन चीज है। कितने साल सर्विस की दादाजी आपने? 24 साल। 24 साल सर्विस की। अलग अलग जगह रहे होंगे, अलग खास तौर पे कहाँ कहाँ सर्विस की? फर्स्ट ट्रेनिंग किया मैंने बेंगलोर। अच्छा। सेकंड पुणे सरकारी को। अच्छा। थर्ड लद्दाख। लेह लद्दाख में रहे? अच्छा ठीक है। थर्ड बरेली यूपी। बरेली यूपी। हाँ। फोर्थ मतलब जालंधर सरकारी को। अच्छा, ये 5-6 जगह ही रही पूरी। सिक्स्थ मतलब अरुणाचल प्रदेश। एक एक याद है। अच्छा और जी, उसके बाद में फिर जोधपुर पेट्रोल डिपो। अच्छा, और जोधपुर पेट्रोल डिपो से रिटायर हो गया। तो आप मतलब गांव में ही या फिर कस्बे में रहते हो? फिर गांव में ही रह रहे हो? छोटा गांव। छोटा गांव में रह रहे हो। आपके गांव से कितने लोग फौज में हैं दादाजी? हमारे 20-25 है। 20? एयरफोर्स से कितने लोग हैं? एयरफोर्स में एक ही जवान। एक ही जवान, अफसर कोई नहीं है? तो भाई हमारी पूरी कोशिश है कि अगला बच्चा, जैसे हमारे यहाँ पे ना महेंद्रगढ़ में एक गाँव है काटी खेड़ी, तो हीरो के बच्चे बहुत आते हैं या फिर जो यादव हैं या फिर राजपूतों के बच्चे हैं, तो उसमें ना आज तक कोई एयरफोर्स में नहीं था, लेकिन पिछले एक बार एक लड़का आया था अमित चौहान, उसके बाद लगने का भूपेंद्र चौहान, अमित चौहान, रवि चौहान, तीनों यादव, मतलब 6-7 लौंडे एकदम से ही मतलब उसमें गया ना, वो भर्ती हो गया एयरफोर्स में। तो चेतन तेरे को क्यों फौज में जाना पता? हाँ बता इनको कि फौज में क्यों जाना है मुझे। फौज में एक तो मेरे दादाजी से मैंने लिया है और एक मेरा ड्रीम है फौज में जाने का, मोस्ट रेस्पेक्ट जो है हमारे सोसाइटी में। आपके सोसाइटी में? तो आपने अभी 12th पास की है? हाँ जी। तो जज्बा है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक जाऊंगा नहीं? नहीं जाऊंगा। पक्का? चलो मेहनत करनी पड़ेगी, देख ले। पक्का। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।